हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की हमारी वीडियो मैगी रेसिपी के बारे में है। आज की वीडियो में मैं, मेरी बहन और मेरा भाई, हम तीनों अपनी अपनी रेसिपीज आज ट्राई करेंगे वीडियो में, और हम देखेंगे कि किसकी रेसिपी हमें सबसे अच्छी लगती है। तो जो पहली हमारी रेसिपी है वो मेरी सिस्टर की रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ एक पैन में पानी बॉईल करा है और उसमें मैंने वेजीज डाल दिए। यहाँ पर मैंने अनियंस और कैप्सिकम डाला है। आप चाहे तो कैरेट्स या फिर जो भी आपको और पसंद है वो सब आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब ये साथ में ही बॉईल हो रहा है। अब मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाल दिया है और ये सब कुछ साथ में अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। मैगी मसाला मैंने पहले इसीलिए डाल दिया है ताकि ये जब पानी में एक साथ वेजीज के साथ बॉईल हो तो इसका फ्लेवर उनमें भी आ जाए, तो इससे इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। तो इस रेसिपी के लिए हमने ये जो वेजीज है उनको फ्राई नहीं किया है बल्कि बॉईल किया है, बिकॉज ये ज़्यादा हेल्दी प्रोसेस है। अब ये ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है तो अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। हमें बस थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है सो दैट वेजिटेबल्स की वजह से उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आए, ताकि वो बैलेंस लगे। तो अब हमें थोड़ा सा केचप ऐड करना है। मैंने यहाँ पर एक स्पून केचप यूज़ करा है। आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, वो टोटली आपके टेस्ट या प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब पानी काफ़ी अच्छे से बॉयल हो चुका है तो हम इसमें मैगी ऐड कर देते हैं। अब हमने इसे सब कुछ डाल दिया है इसमें, तो हम अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेते हैं और इसे और थोड़ी देर बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है तो इन सबको वापस से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब ये ऑलमोस्ट बनने ही वाला है। हमारी मैगी अब तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं। मैंने ऊपर से यहाँ पर इस पे चिली फ्लेक्स भी थोड़े से ऐड कर दिए हैं क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़ा स्पाइसी नूडल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब हम आते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन को थोड़ा सा हीट किया है और अब मैं इसमें 1 कप दूध ऐड करूँगी। और फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गार्लिक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। फिर हमें इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है ताकि गार्लिक का सारा फ्लेवर दूध में भी आ जाए। अब ये बॉईल हो चुका है तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है मैगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए, जितनी क्रीमी आपको चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा क्रीमी पसंद है तो आप ज़्यादा मेयोनीज़ डालोगे और बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो फिर थोड़ी सी डाल सकते हो या फिर आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी हम नमक और पेपर ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ऐड करा है, बट वो अगेन आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। अब हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अब मैं मसाला ऐड कर दूँगी और अच्छे से वापस से मिक्स कर लूँगी। ये जैसे जैसे और कुक होता जाएगा और बॉईल होता जाएगा, हो सकता है ये आपको थोड़ा ड्राई लगे, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा ड्राई मैगी नहीं पसंद है तो फिर आप इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और फिर इन सबको मिक्स होकर थोड़ी देर और बॉयल होने के लिए छोड़ देना है आपको। अब हमारी मैगी रेडी है। अब मैं इसे ट्राई करने जा रही हूँ। मुझे ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैंने ऊपर से इसमें ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है। तो मैंने इसे अभी भी टेस्ट किया, मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम अपनी थर्ड और फाइनल रेसिपी भी ट्राई कर लेते हैं। ये मेरे भाई की रेसिपी है। तो इस रेसिपी के लिए हमें एक पैन में पानी गर्म करना है और उसमें अनियंस डाल देने हैं। फिर जब वो बॉईल होने लगे तो उस पर मैगी मसाला ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी अच्छे से बॉईल हो चुका है तो अब मैं इसमें मैगी ऐड करने जा रही हूँ।
यहाँ पे मैंने मैगी को ब्रेक करके इसमें ऐड कर दिया है और ये अच्छे से मिक्स करके मैं इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। ये काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है, मतलब जैसे हम प्लेन मैगी बनाते हैं बस वैसे ही, बस इसमें एक्स्ट्रा हमने अनियंस ऐड किए हैं। अब हमारी मैगी रेडी हो गई है, मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है और अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ। ये भी मुझे काफ़ी टेस्टी लग रही है।